प्रिय आत्मन, क्रिया योगशाला में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। काफ़ी लंबे अंतराल के बाद मैं आपके सामने समुपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि अभी कोरोना महामारी की व्यापक लहर हमारे देश में छाई हुई है, हमारे देश के सभी व्यक्ति इससे मानसिक, आर्थिक और शारीरिक रूप से ग्रस्त हो रहे हैं। ऐसे में जो भी दिवंगत आत्माएं हैं, एक बार तो मैं उन सब के सदगति की मंगल कामना करता हूं, और साथ में उनके जो परिजन हैं, जो शेष बच गए हैं परिवार में, उनको अवसादग्रस्त होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अवसादग्रस्त हम तभी होते हैं जब हमें अपने प्रियजनों के बिछुड़ने का एहसास होता है और हम यह मान बैठते हैं कि और अब उनसे दोबारा हमारा मुलाकात संभव नहीं है। तो ऐसे में भगवद गीता के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने वैसे ही लोगों को सांत्वना देने के लिए आत्मा के अमरत्व का सिद्धांत व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है, नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अर्थात न इसे अस्त्र शस्त्र छेद सकते हैं, न वायु इसे सुखा सकती है, न अग्नि इसे जला सकती है, न एटम बम इसे उड़ा सकती है। ऐसे में इसकी अवस्था क्या है? तो अच्छेद्यो अयम, अक्लेद्यो अयम, अदाह्यो अयम, नित्य सर्वगत स्थान और अचलो अयम सनातन। अर्थात इसे जलाया नहीं जा सकता, इसे सुखाया नहीं जा सकता, इसे भेदा नहीं जा सकता। इसकी अवस्था कैसी है? तो यह नित्य है, सदा शाश्वत रहने वाला है और अचल है और सनातन है। इसका न आदि है न अंत है। इसलिए हमारी जो भी आत्माएं गई हैं, हम उनके आत्मा से प्रेम करें, उनके शरीर से प्रेम न करें। शरीर से प्रेम करेंगे तो हमें शोकग्रस्त होना पड़ेगा, लेकिन यदि हम उस शरीर में अवस्थित उस आत्मा से प्रेम करेंगे तो वह आत्मा अभी भी समान रूप से इस सृष्टि में व्याप्त है और वो न कहीं जा रही है न कहीं आ रही है। वह अचल रूप से स्थिर है इस ब्रह्मांड में, इसलिए किसी को शोकग्रस्त होने की आवश्यकता नहीं है। अब क्रियायोग के इस सत्र में मैं आपके सम्मुख क्रियायोग प्राणायाम से संबंधित जितने भी उसके अंग उपांग है उसकी चर्चा मैंने पूर्व में ही कर दी है। क्रियायोग का प्रभाव क्या है, क्रियायोग किस प्रकार हमारे शरीर के अंतर्गत वैज्ञानिक और आध्यात्मिक और शारीरिक स्तर पे हमारे मानसिक चेतना में परिवर्तन करता है, यह सब मैं अपने पूर्व के वीडियो में बता चुका हूँ। वर्तमान में मैं आपको क्रियायोग प्राणायाम के सूक्ष्म बातों पर थोड़ा गौर करने। क्रियायोग एक विशेष प्रकार का प्राणायाम है। प्राणायाम का अर्थ क्या होता है? प्राण प्लस यम, अर्थात प्राण का नियंत्रण। यह प्राण क्या है? समस्त सृष्टि जो है वह पंच प्राणों से अभिभूत है। जितने भी स्थावर जंगम प्राणी हैं, चाहे जिसको हम निर्जीव कहते हैं, चाहे जिसको हम सजीव कहते हैं, प्राण का संचालन सभी में समान रूप से होता है। केवल चैतन्यता रहित जो अवस्था है वह जड़ योनि है, और जिसमें चैतन्यता आ गई वह जो है सो चेतन योनि है। प्राण का प्रवाह सब में होता है। प्राण वास्तव में परमाणु के भीतर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और उसके ऑर्बिट में जो चक्कर लगा रहे जो कण हैं, जिसको हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जिससे इस परमाणु की संरचना होती है, और परमाणु पुनः मिलकर के अणु का निर्माण करता है, और अणु से संपूर्ण जगत के विभिन्न जड़ और चेतन पदार्थों का निर्माण होता है। तो वह जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जिस जीवनी शक्ति से अपने ऑर्बिट में निरंतर बिना ऊर्जा के क्षय हुए
वह चक्कर काटती रहती है वही जीवनी शक्ति प्राण शक्ति है। प्राण शक्ति का कभी ह्रास नहीं होता है क्योंकि प्राण शक्ति साक्षात ब्रह्म की शक्ति है। एक ब्रह्म है और उसकी दूसरी उसकी शक्ति है, इसलिए संपूर्ण सृष्टि में उसकी शक्ति समान रूप से परिव्याप्त है, उसका कभी क्षय नहीं होता। यदि वह क्षय हो जाएगा तो जिस प्रकार किसी परमाणु के नाभि में उसके कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहते हैं, चक्कर काटते 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 एक अवस्था फिर ऐसी आ जाएगी कि उसका ऊर्जा ह्रास हो जाएगा और वह अपने नाभि में आकर के गिर जाएगा। और जैसे ही नाभि में आकर के इलेक्ट्रॉन गिरेगा तत्क्षणात ही परमाणु संरचना विखंडित हो जाएगी, और परमाणु संरचना विखंडित होते ही इस जगत के जितने भी पदार्थ हैं वह सब जो है सो का लोप हो जाएगा। यह होता है, यह उस समय होता है जब परमात्मा इस सृष्टि का लय करते हैं। उस लय की अवस्था में, उस महाप्रलय की अवस्था में परमाणु विखंडित हो जाती है, अपने ऊर्जा को वह अपने में संवरित कर लेते हैं परमात्मा, और ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉन को जो मिलने वाली वह अक्षय ऊर्जा है, वह अक्षय ऊर्जा का प्रवाह बंद हो जाता है। प्रवाह बंद होते ही इलेक्ट्रॉन अपने नाभि में गिर जाता है, और नाभि में गिरते ही परमाणु संरचना विखंडित हो जाती है। और परमाणु संरचना के विखंडित होते ही यह जितना भी दृश्यमान जगत है उसका लोप हो जाता है और वह महाप्रलय की स्थिति उपस्थित हो जाती है। इसलिए उस महा प्राण, उस अक्षय प्राण जिससे हमारा एक छोटा सा शरीर भी परिचालित हो रहा है, उस प्राण को यदि हम नियंत्रित कर लें तो हम अपने शरीर के जितनी भी इंद्रियां हैं जो बहिर्मुखी हैं उसको हम अंतर्मुखी करने में सफल हो सकते हैं, और हम अपने ऊर्जा स्रोत के सम्मुख पहुंच सकते हैं जो आत्म चैतन्य भाव से हमारे शरीर में स्थित है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में प्राणायाम को बड़े ही गूढ़ अर्थों में समझाया है। उन्होंने कहा है कि अपाने जुह्यति प्राणम, प्राणे पानम तथा परे प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणा। अर्थात प्राण और अपान वायु को क्रम से प्राण का अपान में, अपान का प्राण में हवन करते हैं, और प्राण और अपान के गति को अंततो गत्वा स्थिर करते हैं, यानी कि उसको रुद्ध करते हैं, और इस प्रकार व्यक्ति प्राणायाम में सिद्ध हो जाता है। यह बड़ा ही गूढ़ार्थ है, क्योंकि हवन करने की विधि क्या है, प्राण का अपान में हवन कैसे करेंगे, अपान का प्राण में हवन कैसे करेंगे, और किस प्रकार हम प्राण और अपान के समता की स्थिति को प्राप्त करेंगे, यह गुरुमुखी विद्या है। इसलिए प्राचीन यौगिक निषेध के कारण मैं इस विद्या का आलोक नहीं करूंगा, यह गुरुमुखी विद्या है। इसके लिए परंपरा से भगवान ने कहा है कि परंपरा प्राप्तमिमं राजर्षयो विदुः, परंपरा से इसको लोग जानते हैं, अतः इसको ऐसे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बताया नहीं जा सकता, यह ब्रह्म विद्या है। तथापि मैं इसके कुछ सिद्धांतों को आपके सामने रखना चाहता हूँ। अन्य प्राणायाम की तरह क्रिया प्राणायाम में भी श्वास का प्रयोग होता है। प्रथम बात, इसमें भी रेचक पूरक और कुंभक का प्रयोग होता है अन्य प्राणायाम की तरह, किंतु इसमें एक मानसिक संकल्पना भी जुड़ी होती है, इसलिए यह मनः कायिक प्रणाली है, यानी कि काया अर्थात इस शरीर से हम रेचक पूरक कुंभक करते हैं और मन से एक विशेष प्रकार की क्रिया का की संकल्पना भी करते हैं, और संकल्पना और रेचक पूरक कुंभक इन दोनों के सम्मिश्रण से क्रियायोग प्रणाली का जन्म होता है। रेचक पूरक कुंभक के साथ जब मानसिक संकल्पना जुड़ जाती है तब यह क्रियायोग का रूप ले लेता है। इस प्रकार क्रियायोग एक मनः कायिक प्रणाली है। क्रियायोग प्राणायाम को परमहंस योगानंद जी महाराज ने एरोप्लेन रूट टू गॉड कहा है।
अर्थात यह आत्म साक्षात्कार की सबसे द्रुततम मार्ग है। ऐसे अन्य भी बहुत सारे विविध मार्ग हैं ईश्वर अनुसंधान के, ईश्वर तक पहुंचने के, आत्म अनुसंधान के, किंतु क्रिया इस सब में सबसे अत्यंत तीव्र गति से साधक को अपने सिद्धि की प्राप्ति करा देता है। कारण कि सहज रूप से, नेचुरल रूप से एक जीव को आध्यात्मिक विकास की उस अवस्था तक पहुंचने के लिए 10 लाख वर्ष का स्वस्थ जीवन चाहिए, किंतु यह कोई नहीं कह सकता कि हर एक जीवन मानव का ही प्राप्त होगा और उस मानव में भी एक अनुकूल वातावरण वाले परिवार हमें मिलेंगे और परिवार भी यदि मिल गए तो हमें स्वास्थ्य अनुकूल प्राप्त होगा। इन सब बातों की किसी भी प्रकार से कोई आश्वस्त नहीं कर सकता कि ये सारी परिस्थितियां प्रत्येक जन्म में बारी बारी से अनुकूल ही प्राप्त होंगी। ऐसी स्थिति में उस आध्यात्मिक विकास की प्रक्रिया को तीव्र करने के लिए क्रिया योग प्राणायाम का सहारा लिया जाता है। इसके माध्यम से एक प्राणायाम जो कि 30 से 40 सेकेंड का समय लेता है, उस 30 से 40 सेकेंड में एक वर्ष का नैसर्गिक विकास प्राप्त हो जाता है। अब आप समझ सकते हैं कि एक वर्ष में आध्यात्मिक विकास जो व्यक्ति को प्राप्त होगा वह क्रिया प्राणायाम के 30 सेकेंड में प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार यह बहुत ही अक्षय ऊर्जा उत्पन्न करती है और बहुत ही द्रुततम मार्ग है, किंतु यह गुरुपदिष्ट मार्ग है। इसको बहुत ही सावधानी पूर्वक गुरु के निर्देशन में ही करने की आवश्यकता है। सभी साधकों और जिज्ञासुओं से मेरा नम्र निवेदन है कि वे YouTube पर बताए जाने वाले विविध जो है सो प्राणायाम, जिसमें क्रिया योग प्राणायाम भी हो सकता है, उनको देख सुन करके आप इसे करने की कोशिश ना करें, क्योंकि जितनी भी क्रियाएं हैं, चाहे वह तंत्र की हो, चाहे वह मंत्र की हो, चाहे वह प्राणायाम की हो, वह तारक भी है, मारक भी है, अर्थात उसके दोनों इफेक्ट हैं। वह साधक को का विनाश भी कर सकता है और साधक को मोक्ष भी प्रदान कर सकता है। इसलिए उसको विधिवत अपने गुरु मुख से ही जानने का प्रयास करना चाहिए और इसके लिए गुरु, एक सच्चे सद्गुरु की तलाश करें। इस संबंध में मैं यदि आपकी किसी प्रकार से मदद कर सकता हूं तो यह मेरे लिए सौभाग्य का विषय होगा। अब हम क्रिया योग के अन्य जो पहलू हैं उस पर मैं चर्चा करूंगा। क्रिया योग प्राणायाम के पश्चात एक और क्रिया है जिसे योनि मुद्रा या ज्योति मुद्रा के नाम से शास्त्रों में उल्लेख किया गया है। ज्योति मुद्रा का एक विशेष अभिप्राय है साधक के जीवन में। जैसा कि आप जानते हैं, हर एक साधक अपने आरंभिक अवस्था में, हर एक जीव यह जानता है कि मैंने ईश्वर को कभी देखा नहीं, कभी जाना नहीं, केवल गुरु जनों से, अपने इष्ट मित्रों से ईश्वर के विषय में सुना है। ईश्वर प्राप्ति के लिए मंत्र या क्रिया सभी सहायक एक सीमा तक ही होते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ईश्वर की प्राप्ति ईश्वर की कृपा से ही संभव है। कोई यह नहीं कह सकता कि मैंने इतने लाख जप कर दिए हैं मंत्र के, अब ईश्वर को प्रकट हो जाना चाहिए। इसी प्रकार कोई यह भी नहीं कह सकता कि हमने इतनी लाख या इतने हजार क्रिया प्राणायाम कर दिए हैं, अब ईश्वर को प्रकट हो जाना चाहिए। ईश्वर कभी भी क्रिया या मंत्र के अधीन नहीं होते हैं। साधक ईश्वर को कितना अधिक प्रेम करता है यह उस पर निर्भर करती है, यह प्रेम की तीव्रता पर निर्भर करती है कि ईश्वर उसे कब दर्शन देंगे, कब दर्शन नहीं देंगे। प्रेम, सहज प्रेम, निश्चल प्रेम, भक्ति भाव मिश्रित प्रेम कैसे साधक के मन में उत्पन्न हो, इसी के लिए क्रिया या मंत्र का प्रावधान है। लेकिन जैसा आप जानते हैं कि एक माँ जब गर्भस्थ होती है तो उसका पहला लक्षण उसे प्रकट हो जाता है कि उसका मासिक धर्म रुक जाता है, तो उसे आभास होता है
कि मैं अब गर्भस्थ हो गई हूँ, अर्थात मेरे गर्भ में किसी जीव ने प्रवेश कर रखा है। फिर सनई सनई जो है सो पेट का आकार प्रकार बढ़ता है, फिर उसे और यकीन होता है माता को कि मेरे गर्भ में अवश्य ही कोई संतान आ चुका है। इसके बाद कुछ समय पश्चात फिर उसमें हलचल उत्पन्न होती है, यह उसे और ज़्यादा आश्वस्त करता है। पुनः जब वो हाथ पांव हिलाने लगता है अंदर, तरह तरह की अंदर मूवमेंट करता है, तो इससे जो है सो माँ को पीड़ा भी होती है, तथापि एक एक आंतरिक आह्लाद का भी अनुभव करती है माता। और सनई सनई है जो बच्चा अभी जन्मा भी नहीं है, लेकिन निरंतर उसके धीरे 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 उसके अलग अलग मूवमेंट का जैसे 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 उसके जीवन में प्रकटीकरण होता है, माता का अपने शिशु के प्रति लगाव बढ़ता जाता है और माता यह पूर्ण आश्वस्त हो जाती है कि अब मेरे पेट में अवश्य ही कोई संतान स्थित है। और जब संतानोत्पत्ति जब होती है तब वह असह्य पीड़ा का अनुभव करती है, और उस असह्य पीड़ा को अनुभव करते हुए झेलते हुए भी जब उसके हाथ में उसके बच्चे को दिया जाता है तो वह माँ अपने सभी पीड़ाओं को भूल करके और अत्यंत मातृ सुख का आनंद अनुभव करती है। इसी प्रकार से साधक जिसने ईश्वर को कभी देखा नहीं, कभी जाना नहीं, किंतु शास्त्रज्ञ कहते हैं, ऋषि मुनि कहते हैं कि उनको प्राप्त करने के लिए प्रेम की आवश्यकता है। जिसको हमने कभी देखा नहीं, जिसको जाना नहीं, स्वाभाविक है उसके प्रति प्रेम कैसा हो सकता है? प्रेम यदि होगा तो वह विचार बुद्धि से हो सकता है। अतः साधक जब साधना करता है तो कुछ उसके जीवन में भी ईश्वर जब प्रकट होते हैं, उसके ज्ञान गर्भ में जब ईश्वर प्रकट होते हैं, उसके हृदय में जब ईश्वर का प्रकाश प्रकट होता है, तो वह सनई सनई वह भी विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों को उद्घाटित करते हैं, जिससे साधक को यह अनुभव होने लगता है कि मैं ठीक ठीक ईश्वर मार्ग पर जा रहा हूँ और ईश्वर अब प्रकट होने ही वाले हैं। ज्योति मुद्रा इसी में हमारी बड़ी भूमिका निभाता है। एक प्रकार से कहें कि हमारे ईश्वर मार्ग पे हमारा जो विश्वास है उसको अटल बनाए रखता है। और साधक के लिए आद्योपांत जब तक सिद्धि संपूर्ण नहीं हो जाती, जब तक आत्म साक्षात्कार नहीं हो जाता, तब तक उसके जीवन के अंतिम क्षण तक वह अटल विश्वास, वह श्रद्धा, ईश्वर में वह निष्ठा वर्तमान रहने की आवश्यकता है। ज्योति मुद्रा इसमें विशेष रूप से सहायक है। ज्योति मुद्रा एक विशेष प्रकार की मुद्रा है जिसके अंतर्गत हम सप्त द्वार अर्थात दो कान, दो नेत्र, दो नासिका छिद्र और एक मुख, ये सप्त जो द्वार हैं, इन सप्त द्वारों को प्राणायाम के समय हम निरुद्ध कर देते हैं, उसको बंद कर देते हैं, और बंद करके और आज्ञा चक्र में एक विशेष क्रिया के माध्यम से हम उस ईश्वरीय प्रकाश का दर्शन करते हैं, उस आत्म चैतन्य का दर्शन करते हैं जो हमारे शरीर में अवस्थित है। और साधक को इस दौरान विभिन्न प्रकार के अनुभव प्राप्त होते हैं, विभिन्न प्रकार के रंग उसके कूटस्थ में उपस्थित होते हैं, विभिन्न प्रकार के जो है सो प्रभु के स्वरूप प्रकट होते हैं, और इस प्रकार प्रभु के प्रति साधक की निष्ठा अटल बनी रहती है। इसका संपादन आज्ञा चक्र पर ही किया जाता है। आज्ञा चक्र का क्या अर्थ है? आ का अर्थ होता है सूर्य, यानी प्रकाशक संस्थान। अज्ञा का अर्थ है ज्ञान, अर्थात ज्ञान का प्रकाश। ज्ञान का प्रकाश अर्थात आत्मज्ञान का प्रकाश, ईश्वर ज्ञान का प्रकाश, या अन्य इस समष्टि में, इस व्यष्टि में जितने भी ईश्वर के रहस्य हैं, उन सब का प्रकाश जिस स्थल पे होता है उसी स्थल को हम आज्ञा चक्र कहते हैं। वह दोनों भ्रू मध्य में स्थित, जहाँ पे मैंने तिलक लगाया हुआ है ठीक वहीं पे वह स्थित होता है। इसलिए यह चूंकि ज्ञान का प्रकाशक संस्थान है इसलिए इसे आज्ञा चक्र कहते हैं। आज्ञा चक्र का अर्थ यह नहीं है कि वो कमांड दिया जाता है वहां से या किसी प्रकार की आज्ञा वाली बात है। आज्ञा का अर्थ है वह ज्ञान का प्रकाशक संस्थान है, उसे
शास्त्रों में विविध नामों से वर्णित किया गया है। किसी ने उसे तृतीय नेत्र कहा है शिव का, किसी ने उसे ज्ञान चक्षु कहा है, किसी ने उसे प्रज्ञा चक्षु कहा है, किसी ने उसे कूटस्थ कहा है, किसी ने उसे अंग्रेजी माध्यम से अभी वर्तमान समय में उसको सिक्स्थ सेंस के नाम से जानते हैं। यह अज्ञा चक्र का बड़ा ही विस्मयकारी स्वरूप है। जिस प्रकार आप जानते हैं कि जितने हम सकल जगत की जो भी अनुभव करते हैं सकल जगत में, वह हम अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से अनुभव करते हैं, और हर एक विषयों के लिए अलग अलग ज्ञानेंद्रियां निर्धारित हैं। जैसे रूप का दर्शन करना है तो हम नेत्र के माध्यम से करेंगे, गंध का की अनुभूति करनी है तो घ्राण यानी कि नाक के माध्यम से करेंगे, शब्द का प्रतिध्वनि सुननी है तो हम नेत्र का अवलंबन करते हैं। इसी प्रकार अलग अलग ज्ञानेंद्रियां अलग अलग अपने विषयों को ही ग्रहण करने में समर्थ है। नाक से दृश्य को नहीं देखा जा सकता, कान से गंध को नहीं सूंघा जा सकता, किंतु कूटस्थ यानी कि आज्ञा चक्र, जिसको हम सिक्स्थ सेंस कहते हैं, इस सिक्स्थ सेंस में वो सारी संभावनाएं हैं। यह अकेला एक सेंस है, यह अकेला एक ज्ञान चक्षु है जो गंध भी स्पर्श महसूस कर सकता है, जो ज्ञान भी प्रकट कर सकता है, जो भाव को भी जान सकता है, जो दर्शन भी कर सकता है, जो श्रवण भी कर सकता है, जो मनन भी कर सकता है। इस प्रकार जितनी भी ज्ञान इंद्रियां हैं और हमारी स्थूल शरीर की जितनी भी ज्ञान इंद्रियां हैं, उसकी परिसीमा से भी परे जो कुछ है सूक्ष्म अति सूक्ष्म, उन सब का ज्ञान करने में यह ज्ञान चक्षु समर्थ है, यह सिक्स्थ सेंस समर्थ है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो लोग अंधे होते हैं, जिनकी दृष्टि बाधित होती है, उनकी दृष्टि बाधित होने के बावजूद भी उनके अंदर यह जो आज्ञा चक्र है यह इतना जागृत होता है कि वह जो है सो अपने आस पास के सभी वातावरण को, उसके परिदृश्य को बहुत हद तक समझने में समर्थ होता है। यह इसलिए होता है क्योंकि उसकी आज्ञा चक्र कुछ हद तक जागृत होती है। इसी प्रकार आपने बहुत ऐसे संतों के विषय में सुना होगा, जैसे कि सूरदास जी महाराज, उनके नेत्र नहीं थे तथापि ज्ञान चक्षु के माध्यम से उन्होंने संपूर्ण जगत को ही नहीं जाना, उसके रहस्य को नहीं जाना, वरन आत्म तत्व परमात्म तत्व को भी जाना, ईश्वर का भी साक्षात्कार किया, उनके लीलाओं को देखा और जाना। इस प्रकार इस आज्ञा चक्र में असीम संभावनाएं हैं। यह आज्ञा चक्र भूमध्य में स्थित है, किंतु यह इस स्थूल शरीर का पार्ट नहीं है, यह सूक्ष्म शरीर का पार्ट है। सूक्ष्म शरीर के वह नेत्र हैं, इसलिए उसको सूक्ष्म नेत्र भी कह सकते हैं, तृतीय नेत्र भी उसको कहा जाता है। सूक्ष्म शरीर में तीन नेत्र होते हैं, लेकिन स्थूल शरीर के स्थान पे जो दो नेत्र हैं वो बंद होते हैं और तीसरा नेत्र ही खुला होता है, और उसी नेत्र के माध्यम से वह सब कुछ ग्रहण करता है। यहाँ तक कि सूक्ष्म शरीरधारी जो जीव होते हैं, जो जीवात्मा होती है, वह अपने अन्न तो वहाँ नहीं होता, लेकिन अपने शरीर को अनुप्राणित करने के लिए जो आहार ग्रहण करते हैं वह भी आज्ञा चक्र के ही माध्यम से ग्रहण करते हैं, या नहीं तो आज्ञा चक्र का जो प्रतिबिंब कपाल ग्रंथि उसके पीछे यहाँ मेड्यूला ओब्लोंगाटा जिसको कहते हैं वह वहां से ग्रहण करते हैं। इस प्रकार आज्ञा चक्र का बड़ा ही विस्तृत रोल है। आज्ञा चक्र का एक अन्य भी जो है सो बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है साधक के जीवन में। साधक जैसे जैसे साधना करता है उसके जीवन में तरह तरह के प्रश्न उपस्थित होते हैं। साधना जनित तरह तरह के की समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं, किंतु कूटस्थ में कृष्ण रूपी चैतन्य अर्थात कृष्ण चैतन्य प्रकट होकर के बारंबार साधक को उसके भाषा में उसका प्रत्युत्तर प्रदान करते हैं और उसका मार्ग निर्देशन करते हैं। वही प्रश्न साधक जीवन में भगवद गीता में अर्जुन के माध्यम से व्यक्त किया गया है, और भगवान श्री कृष्ण कूटस्थ में स्थित होकर के
और अर्जुन भाव भावित उस साधक को ज्ञान प्रदान करते हैं, वह भी इस आज्ञा चक्र के ही माध्यम से प्रदान करते हैं। इसका दूसरा नाम योनि मुद्रा भी है। आप जानते हैं योनि वह अभिव्यंजक संस्थान है जिससे संपूर्ण सृष्टि की रचना होती है। इस सृष्टि की रचना कभी भी पुरुष के द्वारा संभव नहीं है। इस सृष्टि की रचना में जितने भी जीवात्मा, चाहे वह सूक्ष्म शरीरधारी हो या स्थूल शरीरधारी हो, जो अपने को प्रकट करते हैं, उसको प्रकट करने के लिए एक मातृ देह की आवश्यकता होती है, और उस मातृ देह से ही, योनि के माध्यम से ही संपूर्ण जीव चराचर में, चाहे वह मच्छर हो, चाहे वह बिच्छू हो, चाहे वह अंडज हो, चाहे वह स्वेदज हो, सभी उस मादा के योनि से ही प्रकट होते हैं। इसलिए संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण ब्रह्मांड में सृष्टि का जो उद्गम स्थल है वह योनि स्थान है। तंत्र में उस योनि की पूजा की जाती है और उस योनि के माध्यम से ही संपूर्ण सकल तत्व का, परमार्थ तत्व का, शक्ति तत्व का साधक को ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इसलिए उसे योनि मुद्रा के भी नाम से जानते हैं। यदि आपको इस सृष्टि के संपूर्ण रहस्यों को जानना है, सृष्टि कैसे प्रकट हो रही है, सृष्टि कैसे लय हो रही है, तो आपको योनि मुद्रा उसमें विशेष सहायक है। इसलिए इसका नाम योनि मुद्रा भी रखा गया है, क्योंकि जीव के अंदर यह कूटस्थ जो है यही योनि है। यह कूटस्थ उस विराट पुरुष का जो कूटस्थ है, जो उद्गम स्थल है, जिसको योनि कहा जाता है, उसी का सूक्ष्म अलग अलग जीवात्माओं में प्रकटीकरण है। इसलिए वह विराट पुरुष अपने उस योनि के माध्यम से जिन जिन सृष्टि के रहस्यों को प्रकट करता है, यह जीवात्मा भी सूक्ष्म स्तर पे उस योनि के माध्यम से उन रहस्यों को समझ सकता है, जान सकता है। इसलिए इसे योनि मुद्रा भी कहते हैं। योनि मुद्रा का विधान क्रिया प्राणायाम के पश्चात है। योनि मुद्रा हमेशा अंधकार में करना चाहिए, अर्थात साधक के कमरे में प्रकाश न हो, तब वह योनि मुद्रा का अभ्यास करें। योनि मुद्रा एक बार ही की जाती है 24 घंटे में। कई लोग उसको 3 बार भी करने का विधान बताते हैं, किंतु यह ठीक नहीं है। योनि मुद्रा का 24 घंटे में एक ही बार क्रिया प्राणायाम के ठीक बाद करना चाहिए, और उसके करते समय आपके कमरे में प्रकाश न हो, हाँ दीप इत्यादि प्रज्वलित रह सकते हैं। इसी के साथ मैं आचार्य धर्मेंद्र आप सभी से विदा चाहते हैं, किंतु जाते जाते एक निवेदन है कि कभी भी क्रिया को YouTube या अन्य सोशल माध्यमों के जरिए उसे सीखने का प्रयास न करें, उसे अभ्यास करने का प्रयास न करें। उसका अभ्यास किसी गुरु के निर्देशन में ही करें, यही बारंबार आपसे निवेदन है। अन्यथा आप इसके प्रभाव को झेलने के लिए स्वतंत्र हैं। इसका प्रभाव सुखद भी हो सकता है, इसका प्रभाव दुखद भी हो सकता है। इसलिए सभी क्रिया साधक सावधान।